I am Mukesh Kaushik from JP Girls College, Narva. Guys, कल की क्लास में हमने प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस किया. कल की क्लास में हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस किया. आज हम गाइस आगे की टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो ध्यान से आपने समझना है ताकि कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार से न रहे. सो गाइस, नेक्स्ट टाइप आते हैं प्रोनाउन की, इंडेफिनिट प्रोनाउन. गाइस, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. इंग्लिश में डेफिनेशन को ध्यान रखना गाइस आपने. क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू द पर्सन और थिंग्स इन ए वैगु और जनरल वे. इंडेफिनिट प्रोनाउन व्यक्ति और वस्तुओं को सामान्य रूप से व्यक्त करता है. दे डू नॉट रेफर देम इन पर्टिकुलर. ये इन्हें विशेष रूप से व्यक्त नहीं करते. अर्थात व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या को व्यक्त नहीं करते. सो गाइस, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है? देखिए गाइस, वन, सम, many, all, none, anyone, nobody, is. गाइस, इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है. वन, सम, मैनी, ऑल, नन, एनीवन, नोबडी इत्यादि. जब ये शब्द वाक्य में यूज होते हैं तब इनका प्रयोग वाक्य के अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है. फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिएगा, वन शुड कीप, वन शुड कीप, वन प्रॉमिस. Look this sentence guys, one should keep one's promises. प्रत्येक को अपने वायदे पूरे करने चाहिए. तो यहाँ पर वन से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है इसलिए शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है. एक बात और ध्यान रखना गाइस, इनके पश्चात हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तभी ये वाक्य के अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउन की भूमिका निभाते हैं. इस सेंटेंस के अंदर वन का अर्थ एक से न होकर के प्रत्येक से है कि वन शुड कीप वन्स प्रोमिसेस. प्रत्येक को अपने वायदे पूरे करने चाहिए. तो वन से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है इसलिए ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है. इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए गाइस,
सम आर पुअर, सम आर पुअर, कुछ लोग गरीब होते। यहाँ पर सम से संख्या का बोध तो होता है लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसलिए इस वाक्य में सम क्या है गाइज, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड देखिए गाइज, मैनी आर नोट रिच, मैनी आर नोट रिच, बहुत से लोग धनी नहीं है। अब इस वाक्य के अंदर मैनी से गाइस संख्या का बोध होता है लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, मैनी क्या है यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और इनके पश्चात हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग होता है, इस बात को गाइस आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर ओल आर नोट हेल्दी, ऑल आर नोट हेल्दी, सभी स्वस्थ नहीं होते हैं, अर्थात कुछ लोग बीमार भी होते हैं। तो ऑल से यहाँ पर संख्या का बोध होता है लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, तो इस शब्द क्या है गाइज, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है गाइज नन, नन हेल्प मी, किसी ने मेरी सहायता नहीं की, अर्थात अनेक व्यक्तियों में से किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। यहाँ पर नन का अर्थ अनिश्चित संख्या को व्यक्त करता है, तो इस शब्द वाक्य के अंदर इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से गाइज एनीवन नोबडी को भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, Anyone can make a mistake, कोई भी गलती कर सकता है। तो यहाँ पर anyone का अर्थ किसी एक व्यक्ति से नहीं होकर के अनेक व्यक्तियों में से है, तो यहाँ पर भी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, तो इस शब्द वाक्य के अंदर इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुए। तो गाइस वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में निश्चित संख्या को व्यक्त नहीं करता है उसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। इसी प्रकार से गाइस नोबडी केम हियर, नोबडी केम हियर, लुक दिस सेंटेंस गाइस, Nobody came here, यहाँ कोई नहीं आया। Nobody से भी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है। तो ऐसे शब्द हैं गाइस जो वाक्य में निश्चित संख्या को व्यक्त नहीं करते, इनको क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सो गाइस वन सम मैनी ऑल नन एनीवन Nobody, जब इस शब्द वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ध्यान रखना है गाइस। लेकिन यदि के पश्चात गाइस नाउन आ जाता है तब ये अपने रूप को बदल लेते हैं, अर्थात तब ये एडजेक्टिव नंबर बन जाते हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है गाइस, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऑप्शन के अंदर आपको दोनों देगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन और एडजेक्टिव नंबर,
तो ध्यान से आपने देखना है, यदि इनके पश्चात नाउन आ जाता है तो ये फिर एडजेक्टिव नंबर बन जाते हैं। एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं गाइस, देखिएगा फॉर एग्जाम्पल गाइस, रोहित विल क्वालिफाई वनडे। अब देखिए गाइस इस सेंटेंस को, रोहित विल क्वालिफाई वनडे, कि रोहित एक दिन अवश्य क्वालिफाई होगा। यहाँ पर वन के पश्चात डे अर्थात नाउन का प्रयोग हुआ है गाइज, इसलिए यहाँ पर वन क्या है गाइज, एडजेक्टिव नंबर की श्रेणी में प्रयोग हुआ। तो इनके बाद नाउन आता है तो एडजेक्टिव नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए गाइज, सम स्टूडेंट्स आर वाइज, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान। अब इस वाक्य में गाइस देखिए सम के पश्चात स्टूडेंट्स नाउन का प्रयोग हुआ है। अब सम यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर सम एडजेक्टिव नंबर बन जाता है। तो जब इनके बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव नंबर की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा नेक्स्ट, मैनी चिल्ड्रन आर नोटी, मैनी चिल्ड्रन आर नोटी, बहुत से विद्यार्थी शरारती हैं, बहुत से बच्चे शरारती हैं। तो मैनी के पश्चात यहाँ पर चिल्ड्रन शब्द का प्रयोग हुआ जो कि एक नाउन है, तो मैनी क्या बन गया यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया। कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नंबर की श्रेणी में ये हम रखते हैं। इसी प्रकार से गाइज अन्य शब्दों को भी इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट, सभी लड़के होशियार हैं। तो ऑल के पश्चात गाइल नाउन का प्रयोग हुआ है, तो ऑल क्या हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव नंबर हो। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यदि इसके पश्चात प्रिंसिपल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये बन जाते इंडेफिनेट प्रोनाउन, यदि इनके पश्चात नाउन आता है तो ये बन जाते हैं एडजेक्टिव नंबर। एक या दो एग्जांपल देखते हैं गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ वे से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। लुक दिस सेंटेंस गाइस, सम आर होनेस्ट। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ब, रेखा की शब्द क्या है। नीचे ऑप्शन देगा आपको कि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, बी ऑप्शन होगा गाइस
कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, सी ऑप्शन होगा गाइस कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है, डी ऑप्शन होगा गाइस कि ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो ध्यान से आपने देखना है, यहाँ पर सम के पश्चात प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग हुआ है और सम से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, तो आप सम को क्या कहोगे गाइस, इंडेफिनेट प्रोनाउन की श्रेणी में रखोगे। तो इस तरह से आपने ध्यान से वाक्य को एनालाइज करना है और वाक्य के अंदर शब्द की पोजीशन को पहचानना है। एक एग्जांपल और लेते हैं गाइस हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए। Many persons are in the room. अब आपसे पूछेगा गाइज what is the position of the underlined word? रेखांकित शब्द क्या है? अब मैंने के ऊपर क्वेश्चन किया है, ऑप्शन आपको उसी प्रकार से देगा कि मैंने क्या है। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका adjective of number है, सेकेंड होगा यहां पर कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सी होगा यहां पर कि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और गाइस डी ऑप्शन होगा None of these, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए गाइस, मैनी के पश्चात persons noun का प्रयोग हुआ है, तो मैनी क्या है यहाँ पर adjective of number की श्रेणी में आ गया। तो इनके पश्चात noun आता है तो ये adjective बन जाते हैं, उनके पश्चात verb या principal verb आता है तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। सो गाइस आई थिंक आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, वो साथ में एडजेक्टिव नंबर की भूमिका भी ये अदा करते हैं, ये भी आपको स्पष्ट हो गया। सो गाइस आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अगले टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे। So, okay, thank you.